हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम Q&A करने वाले हैं। काफ़ी कमेंट्स आ चुका था और मैं आंसर से भी कमेंट्स का नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी सारा कमेंट्स आता है, तो मैं सोचा क्यों ना Q&A कर लूँ। जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसको मैं पिक करूँगा और उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। अगर आपको भी लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले कमेंट में हो सकता है आपका क्वेश्चन पिक कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, Q&A स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुक रुक के मैं Q&A का क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ क्योंकि एक फोन से मैं पहले लिख के नहीं रखा हूँ। जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसका आंसर मैं दूंगा। अतुल पाटिल का कहना है कि सीट के नीचे हाइड्रोलिक ऑन ऑफ का बल्ब दिया हुआ है, उसे ट्रॉली और कल्टीवेटर पर कैसे यूज करें, वीडियो बनाइए। इनका कहने का मतलब है कि महिंद्रा ट्रैक्टर में सीट के नीचे जो एक बोल्ट होता है जिसको आप ढीला करोगे तो कल्टीवेटर अप डाउन होता है, अगर उसको टाइट कर दोगे तो ट्रॉली अप डाउन होता है। तो उसके बारे में इनका वीडियो, इनका कहना है कि उसके बारे में वीडियो बना। जरूर अतुल पाटिल भाई, आपके इस टॉपिक पे ध्यान दिया जाएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। और जय गणमीत इनका नाम है, इनका कहना है कि भाई इंस्टाग्राम आईडी दो। जरूर भाई, अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में इंस्टा फेसबुक ये सब का आईडी दे दूंगा, वहाँ आप मेरे इंस्टा पे विजिट कर सकते हो, मोस्ट वेलकम रहेगा आप लोगों का। और सीडीओ बरी, शायद गलत नाम ले रहा हूँ तो सॉरी, इनका कहना है कि नगद कैश में भी खरीद सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई मी। मतलब नगद कैश में ये ट्रैक्टर खरीद सकते हैं कि नहीं, उस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आपको बता दूं दोस्त, बिल्कुल आप नगद कैश में खरीद सकते हो। अगर आपका इनकम सही है, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो खरीद सकते हो, और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी भरते हो तो आपका इनकम प्रूफ है तो जरूर आप ट्रैक्टर को खरीद सकते हो नगद में, कोई ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है। अरविंद भाई का कहना है कि जल्दी 10K के हो जाएंगे भाई। थैंक्स भाई, पहले से आप सोच रहे हो 10K के हो जाए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हो रहा है, तो आप लोगों को भी एडवांस में ना थैंक्स कहना चाहता हूँ, हो जाए 10K की अच्छी बात है। शिवाजी यादव, मस्त गाड़ी है, मुझे भी पसंद है। 415 SP+ का रिव्यू किया था तो इन्होंने मस्त गाड़ी है बोला है। हाँ भाई, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन मुझे एक चीज़ इसका पसंद नहीं आता, इसका जो गियर सिस्टम है वो बीच में ही दिया गया है, जैसे ईवो वगैरह में लेफ्ट और राइट में दिया गया आता है, वो मुझे काफ़ी सही लगता है, लेकिन इसका ट्यू जैसे ही बीच में थोड़ा सा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी अपना अपना पसंद है। राम पैंकरा का कहना है कि खेती के लिए कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। राम पैंकरा भाई, देखो बात ऐसा है कि आपने क्या क्या इक्विपमेंट यूज करना है आपने बताया नहीं। अगर सिर्फ कल्टीवेटर ही यूज करते हो तो आपके लिए 275 ही सफिशियंट है, लेकिन जैसे आप कल्टीवेटर के साथ साथ रोटावेटर और कई सारी ऐसे इक्विपमेंट्स होती हैं जिसको आप चलाना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हैवी ट्रैक्टर लेना चाहिए। राम रतन सरावत का कहना है कि भाई महिंद्रा 585 DXP+ न्यू मॉडल का रिव्यू करो। जरूर भाई, अभी तो हम रिव्यू करना ही स्टार्ट किए हैं, चैनल छोटा था तो मैं शोरूम वगैरह में जाता नहीं था, बट अब थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट से 10K हो जाए, उसके बाद आप जहाँ भेजोगे मैं जाने के लिए रेडी हूँ और उस चीज़ का रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा। ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा ट्रैक्टर लें, मिस्टर ओराम शायद इनका नाम है। ट्रांसपोर्ट के लिए देखो भाई, अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, सेंड वगैरह निकालते हो, हेवी जगह से मतलब हेवी पावर वाला आपको ट्रैक्टर चाहिए, मेरे कहने का मतलब जैसे सेंड वगैरह कई बार निकालते हैं तो कई ट्रैक्टर ऐसे चढ़ता है नहीं चढ़ता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पावरफुल ही ट्रैक्टर लेना चाहिए। अगर आप हमेशा ही खुद ड्राइव करते हो, अगर ड्राइवर रखते हो तो आप 275 ही लीजिए क्योंकि मेहनत आपको करना ही नहीं। ड्राइवर ऑफकोर्स थोड़ा सा कंफर्टेबल कम रहता है 275 कंपेरेटिवली 415 के, लेकिन आप 275 से भी काम चला सकते हो अगर आप बिजनेस पर्पज से लेना चाहते हो तो। भैया 275 ईको में 5.5 फीट का रोटावेटर चल सकता है। देवेंद्र कुमार का कहना है कि 275 ईको में 5.5 फीट का रोटावेटर चल सकता है या फिर नहीं। यार देखो, मैं कई बार इसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ और कई लोग नीचे मतलब नेगेटिव कमेंट करते हैं कि तेरे को नहीं आता है बताना, चलता है ऐसा नहीं है, नहीं चलता। मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा हूँ कि वीडियो सॉरी रोटावेटर चलेगा नहीं, चलेगा लेकिन काफ़ी लैग ही चलता है। जैसे आप एक 5,000 का नॉर्मली फ़ोन लेते हो, एक 10,000 का फ़ोन लेते हो, तो 5,000 में आपको थोड़ा सा भी बड़ा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए तो लैग करेगा, सेम वही पोजिशन में आपका लैग करेगा।
सॉरी रोटावेटर में भी, तो आपको चलाने में एक मजा नहीं आएगा। तो वो चीज को मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं चलता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलेगा 275 इको में। वैसे भी 35 HP का पावर जनरेट करता है, TU भी उतना सफिशियंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये इको तो फिर भी बहुत कम ही है, तो नहीं चल पाएगा मेरे अकॉर्डिंग, अच्छा से बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। टेक नो शर्मा का कहना है, भाई अपने ट्रैक्टर में रोटावेटर चला के दिखाओ। दोस्त सॉरी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अपने एरिया में रोटावेटर के कोई डिमांड ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। वैसे भी रोटावेटर थोड़ा सा महंगा चलता है आवर्स में, तो सारी चीज़ें बहुत कम, मतलब 2-4% ही अपने एरिया में रोटावेटर चलता है, बाकी सब कल्टीवेटर से काम निकाल लेते हैं। सादरी लवर वह कॉन्टेक्ट नंबर दो, भाई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकता यार, इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी जरूर डाल दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो अगले वीडियो में मैं जरूर डाल दूंगा, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकता, सॉरी। अरविंद का कहना है 415 का रिव्यू करो ब्रो प्राइस के साथ, जरूर ब्रो करेंगे। अगला जो वीडियो होगा रिव्यू वगैरह का, यही 415 वगैरह का ही होगा। और वेद प्रकाश शर्मा ये सबसे बड़ी बात कहे हैं कि 275 का कल्टीवेटर परफॉर्मेंस डाला था विद कैच व्हील फील्ड में, मतलब खेत में, ये सबसे बेकार गाड़ी है इनका कहना है। मैं लगभग 2-1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ यूट्यूब में, सबसे पहला बार ऐसा है कि 275 को कोई सबसे बेकार गाड़ी कहा है मेरे को, या फिर इस ट्रैक्टर को। अदरवाइज आज तक ऐसा नेगेटिव कमेंट मुझे कहीं नहीं मिला है। आप लोगों को कैसा लगता है इसके बारे में आप जरूर बता सकते हैं। अतुल पाटिल का कहना है, भाई मेरे ट्रैक्टर का RPM और डीजल मीटर खराब हुआ है, न्यू लगवाने का खर्चा कितना आता है? आपके ट्रैक्टर जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। भाई देखो, अगर आपका जो होता है RPM मीटर वगैरह, वो पूरा एक साथ सेट में ही आता है पूरा, जैसे मैं शोरूम में गया था तो पता किया था, उसका जो पूरा ऊपर का जैसे RPM मीटर हो गया और वही फ्यूल मीटर वगैरह, वो सारी चीज़ें एक सेट ही आता है पूरा उसका, वो लगभग आपको 7 से 7.5 हज़ार रुपये का कॉस्ट करता है। ये आपको मिल जाएगा शोरूम में, अब आप देख के लेना, कोई मतलब डुप्लीकेट चीज़ आप मत ले लेना, अब शोरूम से ही कॉन्टेक्ट करके इस चीज़ को अच्छे से मंगा सकते हैं, जेन्युइन चीज़। तो यही कुछ था दोस्तों आज का Q&A वीडियो। वीडियो देख के आपको कैसा लगा, कुछ नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, क्योंकि ट्रैक्टर से जुड़ी इस तरह की वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया।